आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की नई प्रोडक्शन लाइन के बारे में। 1 जून 2020 को एक न्यूज आई थी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तीसरी प्रोडक्शन लाइन नवंबर 2020 में शुरू कर दी जाएगी, और ये प्रोडक्शन लाइन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को बनाएगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना की पहली तेजस स्क्वाड्रन में 16 एयरक्राफ्ट हैं, और ये 16 एयरक्राफ्ट IOC स्टैंडर्ड के हैं। ये स्क्वाड्रन है फ्लाइंग डैगर 45। इस स्क्वाड्रन में 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन है फ्लाइंग बुलेट। फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में 16 FOC स्टैंडर्ड के तेजस इंडक्ट किए जाएंगे, और बाद में इस स्क्वाड्रन को भी 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। एक बार FOC स्टैंडर्ड के तेजस का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन में जाएंगे। हालांकि इस लाइन में तेजस मार्क 1A वाली स्क्वाड्रन के लिए भी ट्रेनर बनाए जाएंगे। ये लाइन 18 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाएगी, और साल 2022 तक ये अपने पूरे ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देगी। पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A संस्करण की प्रोडक्शन साल 2023 से शुरू होगी। और अगर नजर डाली जाए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की करंट प्रोडक्शन स्थिति पर, तो अभी ये एयरक्राफ्ट 2 प्रोडक्शन लाइन से आता है। पहला तेजस डिवीजन HAL का, और दूसरा पुराना किरण हैंगर, जहां तेजस डिवीजन से साल के 8 एयरक्राफ्ट बन के निकल सकते हैं, वहीं पुराने किरण हैंगर से कम 4 एयरक्राफ्ट हर साल बन के निकल सकते हैं। यानी कि इन दोनों असेंबली लाइन की पूरी कैपेसिटी 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष है। लेकिन भारतीय वायुसेना का ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है कि इन दोनों असेंबली लाइन्स को पूरी कैपेसिटी पे यूज किया जाए, और इसीलिए तेजस डिवीजन की असेंबली लाइन केवल 5 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष निकाल रही है, वहीं पुराना किरण हैंगर 3 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष निकाल रहा है, जिससे टोटल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट पर ईयर पहुंचता है 8 एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना को IOC स्टैंडर्ड के 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा चुके हैं, और FOC स्टैंडर्ड के पहले 3 एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार हैं, जिनमें से एक अभी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर लिया गया है। इस हिसाब से HAL की ऑर्डर बुक में केवल 13 एयरक्राफ्ट हैं, और अगर 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से भी प्रोडक्शन चलता है, तब भी अभी की असेंबली लाइन से ये ऑर्डर पूरा किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A संस्करण की पहली उड़ान होगी साल 2022 में, और ये एयरक्राफ्ट साल 2023 में फुल प्रोडक्शन में जाएगा। इस हिसाब से तेजस डिवीजन की असेंबली लाइन, और साथ ही किरण हैंगर वाली असेंबली लाइन साल 2021 के अंत से साल 2023 तक खाली पड़ी रहेंगी। किसी भी असेंबली लाइन का खाली पड़े रहना कंपनी के लिए कॉस्ट होता है, और ये एक तरीके से नुकसान होता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि HAL, जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं, वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए एक नई असेंबली लाइन क्यों बना रहे हैं, जबकि प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से तेजस डिवीजन की असेंबली लाइन और किरण हैंगर की असेंबली लाइन काफ़ी थी अभी के ऑर्डर को कम्प्लीट करने के लिए। मेरे हिसाब से इस नई असेंबली लाइन के 3 कारण हो सकते हैं। पहला, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1 संस्करण के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लेकिन जब जून में स्टार्ट करके नवंबर में यह असेंबली लाइन बनके तैयार हो सकती है, तो इस असेंबली लाइन को मार्क 1A के आसपास क्यों नहीं खोला जाए। दूसरा एक प्रमुख कारण हो सकता है कि शायद इंडियन नेवी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के नेवल वेरियंट को ट्रेनर के तौर पर यूज करना चाहती है, और साल 2022 और 23 के आसपास जब INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, तो उसके लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट को ट्रेनर के तौर पे यूज किया जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण समझ में आ रहा है, वो है शायद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरियंट में कई देश इंटरेस्टेड है, और शायद इसको ध्यान में रखते हुए ये नई असेंबली लाइन बनाई गई है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस।
धन्यवाद। जय हिंद।